Dear all, through this poem, Amanda, written by Robin Klein, poet name is Robin Klein, and uh, here is a mind map. Through this mind map, you can understand each and every regarding the poem in very less time. But you all have to watch full video so that you can understand and you can know about the poem also. The poem implores that it is the responsibility of a pa parents to provide healthy growing atmosphere to their children without making them feel trapped. You know very well if you are in home, then your parents every time control you. My dear son, my dear daughter, you have to do this, you do not have to do this. That means every time somewhere without making, without asking, without asking you, your parents saying you do not have to go there, you have to stay there, you have to do work. But it's sure that behind this there are some reasons. Okay? जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको ये बताते हैं कि आपको ये करना है आपको ये नहीं करना है आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हो कि ऐसे मेरे पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि ये करो या ना करो क्योंकि मुझ में उसमें ज्यादा विलिंग आती है आई वॉन्ट टू डू दिस बट माई पेरेंट्स सम क्रिएट प्रॉब्लम ऐसा आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स क्रिएट्स करते हैं प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं कि आपको रोकते हैं बट ऐसा है नहीं फैक्ट कुछ और होती है ये हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हमारे पेरेंट्स हमें क्यों कोई काम करने से रुकता है या तो यह बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए रिम स्कीम यूज इन दिस पोयम इज ए ए रिम स्कीम बेस्ड क्वेश्चन वन क्वेश्चन मोस्टली टाइम इज आस्ट सो इन दिस पोयम रेम स्कीम ए ए बी ए and टोन ऑफ imagery पोइम इज orphan, ऑफन एंडल ऑल convey a longing फॉर फ्रीडम हमें बहुत कुछ बताता है कि हमें भी फ्री होके जीना चाहिए जिस तरह से दूसरा बच्चे कुछ बच्चे हमारे सोसाइटी के फ्री होकर जो मन होता है वो करते हैं लेकिन कुछ के पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं कुछ करने से तो आपको ये लगता है कि उनका पेरेंट्स कितना अच्छा है कि वो उन्हें सब कुछ करने देता है और आपका पेरेंट्स अच्छा नहीं है क्योंकि आपको वो रोकता है बट फैक्ट कुछ और होती है अमंडा आई हैव टोल्ड अबाउट ट्रीम ऑल्सो एंड थीम ऑफ द पोएम एंड नो यू हैव टू नो पोटिक डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें यूज किया डिवाइसेस मिश आई एम नो टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिवाइसेस नो अल्टरेशन स्टॉप द स्लॉसिंग दिट अप स्टेट मेटाफो एमराल सी साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट ऑर्फन मरमेड एंड रेफेंजल कन्वे चार्ज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम Now, at last we have to know about short summary. I have told you in starting that in very less time, you can understand entire poem. Now, short summary is the poem is about a small girl name is Amanda. Now, it's very clear for you poem name is Amanda, poet is Robin Killen and in this poem title

हमेशा बताया जाता है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है हर इमेजिनेशन इज नोस इन अ एफ स्पेस भी है आपको भी आपके पेरेंट्स के भी रुकते हैं मम्मी पापा कभी बोलते हैं बेटा यू डो नॉट हैव टू डू दिस देन आप भी बहुत गुस्से में आ जाते हो बहुत गुस्से आजाते हैं कि मेरी मम्मी मुझे क्यों रोकती है मेरे पापा मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं कि नहीं करने के लिए सी टू बी हर एंगल मैक्स हर मूडी आप भी एक कंपनी कंपेयर कर लेते हो जिस तरह से अमंडा कंपेयर करती है कि मेरे से बेहतर कहीं वो ऑर्फन है अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कोई कहने वाला नहीं होता और जो फ्रीली सब कुछ करते हैं मैरी रॉल आपके पेरेंट्स आपको इसीलिए कुछ कहते कि करो कुछ कहते नहीं करो क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास नॉलेज है उनके पास उनका एक्सपीरियंस बताता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए इट्स फैक्ट सो यू ऑल शुड हैव फॉलो योर पेरेंट्स वेन यू दे आर सेइंग यू हैव टू स्टॉप दिस वॉक यू हैव टू डू दिस देन यू हैव टू डू जो आपको बताते हैं केयर करते हैं वो आपकी अच्छाई के लिए करते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है और आपको एंग्री भी नहीं होना जैसे कि पोए में बताया गया कि अमंडा एंग्री हो जाती है इस बातों को लेकर के कि मुझे आज़ादी नहीं मिली है मुझे मैं फ्री नहीं हूँ हर कुछ करने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है अमंडा ऐसा सोचती है वो कंपेयर करती है कि अनाथ बच्चे अच्छा होते हैं क्योंकि उन्हें कोई कहने वाले नहीं होते हैं बिल्कुल नहीं आपके यदि पेरेंट्स हैं तो बिल्कुल आपके लिए जो कुछ करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं आपको यदि मना करते हैं तो वह भी आपके लिए करते हैं Okay? Thank you. Thank you so much.